देखते टिकट कितने की वो अलाउड करते हैं या नहीं करते। ओ भाई एक बारी क्राउड देख लो, ये किस चीज का क्राउड है अपनी तो समझ। तो गाइस अब बात हो गई है खराब, इतनी दूर से आए हम, कम से कम ये पता होता तो आते तो नहीं हम यहाँ पर। समीर जी व्लॉग्स का आपको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। निकले घर से निकलने के बाद पिज़्ज़ा, सबसे पहले पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। टाइमिंग वाली बात है तो ये रही 2 बजे के आसपास का टाइम है। भूख लग रही है इनको, हाथ हिला रहे हैं, तबीयत खराब है, मगर घूमने ऐसे ही। A few moments later. तो भाई ये देखो अपना रेडी हो चुका है। ये रहा कौन कौन सा था, ये कौन है, कौन था और ये कौन है वेजिटेबल। तो भाई अभी हम बाहर की तरफ आ चुके हैं, अपनी जो गाड़ी है वो ये खड़ी है। चलिए फटाफट से इसको अनलॉक करते हैं और चलते हैं फटाफट से। आगे कहीं पेट्रोल पंप आता है तो इसको पहले सबसे पहले फिल कराते हैं, रिस्क नहीं लेंगे। तो इसके अंदर 3,050 रुपए के आसपास का आ चुका है। अपनी हो गई टंकी फुल, ये पहले 2,000 में हो जाती थी, अब ये 3,000 में होती है। पता नहीं टंकी बड़ी हो गई है या पेट्रोल कम हो गया, समझ नहीं आता। बात है ऐसी, गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है। गाड़ी पार्क करने के बाद देखो उधर जाना है, उधर जाने के बाद अंदर देखते हैं टिकट कितने की है। टिकट देखेंगे, अंदर क्या क्या चीज़ें देखने वाली हैं वो देखेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि लॉकडाउन में जो अंदर हमारे जो वो थे क्या बोलते हैं यार, जो भी होते हैं अंदर जू के अंदर, वो हैं भी या नहीं भी, या वो कहीं जहाँ से आए थे वो वापस वहाँ पे जा चुके हैं। चलिए उसको तो हम देखेंगे फिर फटाफट से। चलिए पहले अंदर चलते हैं, अंदर चलने के बाद कितने की टिकट मिलती है और अंदर क्या क्या चीज़ें अलाउड है, मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा। ऐसा ना हो कि घर से जब आप आ रहे हो और खाना वगैरह लेकर आए, आप सोचें हम अंदर पार्क में बैठ के खा लेंगे, वो अलाउड करते हैं या नहीं करते, वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल अगर गाड़ी वाली बात है तो गाड़ी हमने इधर पार्क कर दी है, अब हम जा रहे हैं उस तरफ। और ये देखो समीर जी व्लॉग्स का आपको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना है, और ये आपकी वीडियो समीर जी व्लॉग्स पे मिलेगी। चलो तब हम आगे चलते हैं। ओ भाई एक बारी क्राउड देख लो, ये किस चीज़ का क्राउड है अपनी तो समझ में नहीं आ रहा। बाकी ये कि अंदर यार कैमरा वगैरह अलाउड है या नहीं है वो भी देखेंगे। टिकट काउंटर तो वो रहा, फटाफट से चलते हैं। पहले ये क्राउड खड़ा क्यों है मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा। 6.5 hours later. तो गाइस अब बात हो गई है खराब, क्योंकि हमारा क्योंकि ऑनलाइन टिकट ही हमारी अब हो ही नहीं रही, पता नहीं वो क्या सिस्टम कर दिया है, पहले पैसे दो और जाओ अंदर। तो भाई मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ, देखो यार ये इनवैलिड कार्ड लिखा हुआ रहा है। इनवैलिड कार्ड क्यों लिखा हुआ रहा है मुझे आइडिया नहीं है, बाकी देखते हैं यार कुछ हो सकता है। तो इनवैलिड कार्ड होने से ये भी तो है ना यार, इतनी दूर से आए हम, कम से कम ये पता होता तो आते तो नहीं हम यहाँ पर। अब इनवैलिड कार्ड मतलब 240 रुपये की बात है, सिर्फ 240 रुपये के अंदर ये इनवैलिड कार्ड शो कर रहा है, और यहाँ आने में जितनी भी मेहनत थी वो सारी बेकार हो गई है। मैं तो भाई यही कहूँगा, अगर आप जू आ रहे हैं, ये देख रहे हैं जितनी पब्लिक आपको बाहर खड़ी हुई और ये बैठी हुई दिख रही है, वो इसीलिए दिख रही है क्योंकि ये अंदर मतलब टिकट काउंटर नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं घर से निकलते वक्त ऑफलाइन आने के लिए सोच रहे हो, सोच रहे हैं यहाँ आकर टिकट ले लेंगे, तो वो तो नॉट पॉसिबल है। मैं तो आपको बताने वाला था कि अंदर क्या क्या चीज़ें अलाउड करने वाले हैं, बाकी अलाउड की तो छोड़ो, यहाँ से टिकट ही नहीं हो पा रही है। आपके पास जो कार्ड होगा उसको इनवैलिड बता देगा, तो आप अंदर कैसे जाएंगे? बाकी टिकट बुक कैसे करनी है, तो उन्होंने वहाँ पे एक वो पीछे मेरे एक बोर्ड लगाया हुआ है, उस पर पूरी डिटेल दी हुई है कि आपको कौन सी वेबसाइट सर्च करनी है, कितने मेंबर हैं, क्या एज है, वो सब चीज़ फिल कर लेंगे आप, कितने बच्चे आपके साथ हैं वो भी फिल कर लेंगे, मगर आप अंदर नहीं जा सकते। अंदर क्यों नहीं जा सकते, अंदर ना जाने का रीज़न बस एक ही है, ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट हो नहीं रही है, वो इसलिए नहीं हो पा रही
क्योंकि कार्ड इनवैलिड बता रहा है, जबकि ये कार्ड तो मैं हर जगह यूज़ करता हूँ। अभी पेट्रोल डलवाने रहा था मैं, वहाँ पर भी मैंने यूज़ करा, एटीएम में यूज़ करता हूँ, हर जगह यूज़ करता हूँ। अब कार्ड मोदी जी बनाएंगे, मोदी जी आइए, एक कार्ड तो फेंक दीजिए, देखो शायद ऊपर से गिर जाए पेड़ से। भाई कुछ गिरने वाला नहीं है, सिर्फ पागल बना रहे। सबसे बड़ी बात ये देखो, ये पब्लिक कितनी सारी आई हुई है, ये अपने घरों से ये कैसे आई हुई है यार, ये सब वापस चले जाएंगे, कितनी गलत बात है। कम से कम ऐसा तो हो गया यार, कम से कम एक काउंटर वहाँ पे खुला करता था पहले, वहाँ पर एक काउंटर खुला करता था, वो काउंटर में हमें इजीली मिल जाती थी टिकट। अब तो इजी टिकट के नाम पे कुछ भी नहीं मिलने वाला। हाँ एक चीज़ तो है, जैसे ही आप अगर गाड़ी लेके आते तो वहाँ से आपको 50 रुपये चार्ज कर लिए जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अंदर जाने के बाद टिकट होने वाली है नहीं, पार्किंग में भीड़ लगेगी नहीं, तो इसलिए फटाफट से पब्लिक निकल जाएगी। देखो कुछ इधर बैठे हुए हैं, कुछ इधर बैठे हुए हैं, ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास करके धीरे धीरे सब अपने अपने घर निकल जाएंगे बिल्कुल। और अंदर की जो एंट्री रहती है ना, मैं आपको बता दूं, देखो भाई 4:45 के आसपास का टाइम है, और 4:30 के बाद अंदर एंट्री नहीं होती अलाउड, सिर्फ यहाँ पर जो एंट्री होती है 4:00 तक की एंट्री होती है। चलिए देखते हैं, अब कोई दूसरी जगह चल के देखते हैं कि यार दूसरी जगह कहाँ जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यार सब जगह का जो टाइम है वो 5:00 के आसपास का टाइम है, 5:00 के आसपास यार कहीं एंट्री नहीं होने देते। कैसा लगा आप बताइए अपने बारे में, कैसा लग रहा है घर से निकल के? एक तो इतनी गर्मी हो रही है और ऊपर से वो ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है, ऐसा मन कर रहा है कि अब बस सो जाऊँ। बहुत ही गर्मी लग रही है, क्या बताऊँ मैं आपको, जितने दिन से आए थे ना हम उतना ही मन से वो हो गए उदास। कैसा लग रहा है? तो भाई बिल्कुल उदास मैं इस बारे में कुछ बताऊँ तो भाई मैं आपको बता दूँ, बात है ऐसी, इससे अच्छा अगर हम सुबह मॉर्निंग में 10-11 के आसपास किसी वाटर पार्क निकल जाते ना, दिन बहुत ज़बरदस्त जाता। एक तो वैसे ही दिन कम रहते हैं ज़िंदगी के अंदर, और दिन कम के अंदर भी ऐसा टूरिस्ट आ जाए वो तो और ज़्यादा घटिया हो जाता है। देखते हैं कहीं पे तिकड़म लड़ाके अगर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो निकलते हैं फिर यहाँ से वापस। A few inches later. तो भाई बात है ऐसी, वहाँ से तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ आने के बाद अब पीछे हुमायूं का मकबरा है, यहाँ पे जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही है। चलिए फटाफट से अंदर चलते हैं, गाड़ी इधर पार्क कर दिए, पार्क करने के बाद सॉरी लॉक तो करी नहीं, एक्चुअली शीशे खुले हुए दिखे, इसको मैं जब भी लॉक करता हूँ तो ये मेरी तरह ये भी समझदार है, शीशे अपने आप ऊपर कर देती है ये बिल्कुल, और अपने आप को मेरी तरह अपने आप को सेव कर लेती है। तो फटाफट से निकलते हैं, देखते हैं अंदर की एंट्री कितने बजे तक होती है, क्या क्या चीज़ें हमें मिलने वाली है वो अंदर जाके ही पता चलेगा।